Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. Spot the Error, Episode 2. इस क्लिप को ध्यान से देखिए, इसमें क्या गड़बड़ है? यहाँ आप देख सकते हैं कि this भी सिंगुलर है और kind भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्राइम भी सिंगुलर में ही लिखा जाना चाहिए। दिस काइंड ऑफ क्राइम, यह एक ठीक कंस्ट्रक्शन है। इस तरह का क्राइम, तीनों ही सिंगुलर में होने चाहिए। दूसरा तरीका इस कंस्ट्रक्शन को ठीक करने का ये है कि तीनों वर्ड्स को प्लूरल में कर दिया जाए। दिस का दीज बना दिया जाए, काइंड का काइंड्स बना दिया जाए और क्राइम को क्राइम्स रखा जाए। दीज काइंड्स ऑफ क्राइम्स, इस तरह के क्राइम्स। टू सम अप, या तो आप लिखेंगे दिस काइंड ऑफ क्राइम, इस तरह का गुनाह, या आप लिखेंगे दीज काइंड्स ऑफ क्राइम्स, इस तरह के गुनाह। अगर आप क्राइम सिंगुलर में रखेंगे तो दिस काइंड लिखेंगे, अगर आप क्राइम्स प्लूरल में रखेंगे तो दीज काइंड्स लिखेंगे। तीनों या तो सिंगुलर में रहेंगे या तीनों प्लूरल में जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। दिस काइंड ऑफ फ्लावर, अगर जो हमारा नाउन है फ्लावर यहाँ पर सिंगुलर है तो हम लिखेंगे दिस काइंड, और अगर हमारा नाउन फ्लावर्स प्लूरल है तो हम लिखेंगे दीज काइंड्स। इसी तरह से हम लिखेंगे दिस सॉर्ट ऑफ जॉब, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नाउन जॉब है वो सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे दिस सॉर्ट। और दूसरी तरफ अगर हमारा नाउन जॉब्स है, प्लूरल है, तो हम लिखेंगे दीज सॉर्ट्स। और अगर हमारा थर्ड एग्जांपल में हम देखें कि हमारा नाउन इंजरी सिंगुलर है तो हम लिखेंगे दिस टाइप ऑफ इंजरी, लेकिन अगर हमारा नाउन यहाँ पर इंजरीज है, प्लूरल है, तो हम लिखेंगे दीज टाइप्स ऑफ इंजरीज। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि दिस काइंड ऑफ पीपल ठीक है या दीज काइंड्स ऑफ पीपल? तो मैं आपको बता दूं, दिस काइंड ऑफ पीपल गलत है और दीज काइंड्स ऑफ पीपल ठीक है, क्योंकि पीपल जो नाउन है वो प्लूरल है। दिस काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, क्योंकि पर्सन हम एक व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं और पीपल हम यूज़ करते हैं लोगों के लिए। पर्सन इज सिंगुलर, पीपल इज प्लूरल। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कि कौन सी कंस्ट्रक्शंस ठीक हैं, जो लेफ्ट साइड पर लिखी हुई हैं या जो राइट साइड पर लिखी हुई हैं। ध्यान से देखिए, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जो कंस्ट्रक्शंस लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई हैं वो सभी ठीक हैं, और जो राइट हैंड साइड पर लिखी हुई हैं वो सभी गलत हैं। इसका रीज़न ये है कि जो नाउन फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, न्यूज़ और मशीनरी हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशंस, इक्विपमेंट्स, न्यूज़ नहीं बोल सकते हम, मशीनरीज नहीं होता है, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं, ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। हम घर के सारे फर्नीचर को फर्नीचर बोलते हैं कलेक्टिवली। इंफॉर्मेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक तरह से,
हम सारी इन्फॉर्मेशन को सूचना को सूचना बोलते हैं, हम सूचना को उंगलियों पर काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो हैं नाउंस, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। इक्विपमेंट भी सारा इक्विपमेंट इकट्ठा होता है। न्यूज़, समाचार, समाचार भी हम कलेक्टिवली ही लेते हैं। मशीनरी, मशीनरी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ मशीन्स को काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये जो नाउन्स हैं, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, न्यूज़, मशीनरी, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। और क्योंकि ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं तो इनके साथ आप दीज नहीं लगा सकते, क्योंकि दीज जो है वो प्लूरल है। तो हमेशा आप या तो बोलेंगे दिस काइंड ऑफ फर्नीचर, या बोलेंगे दिस टाइप ऑफ फर्नीचर, या बोलेंगे दिस सॉर्ट ऑफ फर्नीचर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स।